कई बार हमको ज़िंदगी में ना चीज़ें जो है वो डरा देती हैं, और ऐसा डरा देती हैं कि हम डर जाते हैं। ऐसी ही एक डरावनी सी चीज़ जो हर नया कुक करने वाला बनाना चाहता है वो है कस्टर्ड। अभी कस्टर्ड जो है वो बहुत सिंपल है, कस्टर्ड पाउडर लिया, दूध में घोला और उसके बाद बना लिया, तो मुझे समझ नहीं आता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है कस्टर्ड में। लेकिन क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि फ्रूट कस्टर्ड कैसे बनाएं, तो मैं हूं रणवीर ब्रार और आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड बगैर कस्टर्ड पाउडर के। रोलिंग एंड एक्शन। वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर का जो इन्वेंशन है वो भी नेसेसिटी की वजह से हुआ। तो हुआ ये कि एक केमिस्ट थे अल्फ्रेड बर्ड, उनकी वाइफ ना अंडे खा सकती थी ना उनकी वाइफ ईस्ट वाली ब्रेड खा सकती थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ के खाने के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए दो चीज़ों की ईजाद करी। एक तो बेकिंग पाउडर की ईजाद करी, इसकी बात मैं कर चुका हूँ, और एक ईजाद करी कस्टर्ड पाउडर की, ताकि उनकी वाइफ कस्टर्ड खा सके अंडे के बगैर। और ट्रेडिशनली क्लासिकली, क्योंकि कस्टर्ड में हमेशा अंडा पड़ता था, उन्होंने कॉर्नस्टार्च का बेस लिया, उसमें वो सारे फ्लेवर्स डाले, स्टार्च कॉम्बिनेशंस बनाए और पहली बार एक एगलेस कस्टर्ड मिक्स की तैयारी करी। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, पानी के अंदर थोड़ा नमक डाला है, वनीला एसेंस डाला है, पीला रंग डालता हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूंगा चावल का आटा, एक चम्मच राइस फ्लावर, तो 5 चम्मच कॉर्नस्टार्च या अरारोट, अब बेसिकली जो कस्टर्ड पाउडर आप इतना महंगा लेते हो, अगर आप उसको पलटोगे तो उसके ऊपर यही लिखा होता है, दिस कस्टर्ड पाउडर कंटेन्स कॉर्नस्टार्च, वनीला फ्लेवर एंड नथिंग एल्स। तो वही कस्टर्ड पाउडर हमने बना लिया बॉडी के लिए, और एक देसी पन जो कस्टर्ड पाउडर में होता है ना, इंडियननेस के लिए मैंने थोड़ा सा राइस फ्लावर उसमें ऐड कर दिया। अब ये गया दूध, अच्छा हाँ, शक्कर का क्या करें, शक्कर भी डाल ही लेते हैं, लगभग 75 ग्राम शक्कर और 1 लीटर दूध। भाई देखिए इतना सिंपल है कि दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया, मतलब क्यों हम बेफालतू में अपने पैसे कस्टर्ड पाउडर वाली कंपनियों को दें, बताइए। इसको चलाते रहना है, चलाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चलाएंगे नहीं तो नीचे लग जाएगा, नीचे लग जाएगा तो फिर वो काले काले दाग आ जाएंगे। कस्टर्ड की जो खूबी होती है वो होता है एकदम क्रीम फिनिश, तो आप बनाने जाएंगे कस्टर्ड बन जाएगा कुछ स्पॉटेड सा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था कि आराम से धीरे धीरे चलाते रहना है। कोई अच्छा सा गाना ढूंढ लीजिए और गाते रहिए। नहीं मैं थोड़े ना गाऊंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो बगैर गाने के भी हो जाता था। देखिए विजिबली उबलना चाहिए, मतलब ऐसे दिखने में उबलना चाहिए, क्योंकि जब तक ये उबलेगा नहीं ना, तब तक अरारूट जो है वो कच्चा कच्चा मुंह में आएगा टेलकम पाउडर जैसा, दैट वी डोंट वांट। तो इसको ऐसे उबाला आना चाहिए, जैसे अभी नहीं आया ना, बुलबुले आएंगे ऊपर, जब उबाला आएगा तुरंत हम गैस बंद कर देंगे, हमारा काम हो गया। लेकिन गैस बढ़ा के नहीं पकाना है, इसको धीरे धीरे पकाना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जी, बड़ा सारा फ़र्क डाल जाती हैं। चलिए देखिए अब ये उबलना शुरू हो गया, डन। अभी इसको रखना है ठंडा होने के लिए। भाई ये फ्रूट कस्टर्ड जो है ना, मतलब एटलीस्ट जब हम छोटे होते थे तो हमें लगता था कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं कस्टर्ड, और सिर्फ अगर केले डाल के भी देते तो मैं तो खाना नहीं खाता था उस दिन, कि आज कस्टर्ड बनने वाला है, और सिर्फ कस्टर्ड 2-3-4 कटोरी भर के खा जाता था। वो तब जाके समझ में आ गया भैया वो तो दूध में कॉर्नस्टार्च घोल के बन जाता है बस। समटाइम्स इट्स नाइस ना, कई बार अच्छा होता है टू हैव अ चाइल्ड लाइक वंडर, कुछ चीज़ें ना पता हो तो ही अच्छा है। सडनली एज अ शेफ जब पता लगा कि अरे हम जो बचपन से कस्टर्ड खाते थे
उसमें तो सिर्फ अरारोट होता था, सारा मजा किरकिरा हुआ। कई बार इग्नोरेंस इज ब्लिस, जो ना पता वही अच्छा। ये इसकी जो थिकनेस है ना, दिस इज द थिकनेस। अब ये कस्टर्ड पे डालना है थोड़ा सा बटर। वो क्या है ना कि कस्टर्ड पे मलाई जम जाती है, और ये जो बटर है ये वो मलाई जमने नहीं देगा। ये देखो जी, तो एक पूरी लेयर बना ली ना बटर ने ऊपर, अपना काम हो गया। अब इसको डालते हैं फ्रिज में। फ्रिज में डालने के बाद बाकी की चीज़ों की तैयारी, ठीक है ना जी। अभी फ्रूट कस्टर्ड है तो फ्रूट तो होंगे ना, तो फ्रूट कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स काट लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंजेस हैं। देखिए और तो बाकी आप जितने मर्जी हाई फाई फ्रूट काट लीजिए, लेकिन केला वेला मत भूलिए। जो कस्टर्ड के साथ केले का कॉम्बिनेशन है ना बचपन से, वो किसी फ्रूट का नहीं है। तो आजकल आने शुरू हो गए स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। हमारे टाइम क्या होता था भाई, ढेर सारा केला कस्टर्ड, सुबह खाओ शाम तक चलाओ। तो एज यूजुअल मैं अपनी दुनिया में मगन हूँ, चुपचाप बना रहा हूँ, लेकिन पीछे से मुझे चोंच मारी जा रही है कि आप पूरी बात नहीं बता रहे हो। अगर कॉर्नस्टार्च नहीं होता तो क्या यूज़ करना है, या फिर अगर शक्कर नहीं खाते तो क्या यूज़ करना है। देखो शक्कर नहीं खाते तो गुड़ यूज़ कर लो, हनी यूज़ कर लो। कॉर्नस्टार्च यूज़ नहीं करना तो 4 एग योक 300 ml दूध के लिए लें, 250 ml दूध गर्म करें, 50 ml दूध स्लाइटली वार्म एग योक से मिलाएं शक्कर के साथ, और उसको दूध के साथ सिमर कर दें वापस सिमर, लगभग 68-72 degrees तक एग कस्टर्ड बना लें। अगर कॉर्नस्टार्च नहीं खाना तो अंडे का बना लीजिए, है ना। बाकी गुड़ डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, हम लोग ऑंग्लेज बोलते हैं जिसको, बेसिकली अंडे का कस्टर्ड होता है। इतना मुश्किल नहीं है यार खाना बनाना, मतलब एक्चुअली बिल्कुल मुश्किल नहीं है खाना बनाना। खाना बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपके पास एक चूल्हा होना चाहिए, और दूसरा आपके पास मेरे YouTube चैनल का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, बस। दैट्स ऑल इट टेक्स टू बी अ गुड कुक, ठीक है ना जी। भाई जमाना ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का है, हम भी बन गए थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो गया। ये थोड़ा सा संतरे का जूस डाल देते हैं बीच में, एक तो ऑक्सीडेशन से बचा रहेगा, दूसरा एक अच्छा सा ऑरेंज का फ्लेवर आएगा। ये काट लिए डाइसेस। अब इस ग्लास में डालने हैं पहले डाइसेस। ये गया केक। अब कस्टर्ड तो बना लिया, तो अब जो बना रहे हैं, ओह ये तो मैंने आपको बताया नहीं, कस्टर्ड तो बना लिया। अब फ्रूट कस्टर्ड को अगर कुछ इस तरह से ग्लास में सेट किया जाए जिससे कि उसकी शक्ल बदल जाए, रूप रंग बदल जाए और वो पुडिंग बन जाए, तो उस पुडिंग को ट्राइफल पुडिंग कहते हैं। तो अब हम कस्टर्ड बनाने के बाद ट्राइफल पुडिंग बना रहे हैं। ये लो जी, देखो अपने आप गाढ़ा हो गया ना कस्टर्ड, जैसा छोड़ा था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अगर सिंपल फ्रूट कस्टर्ड बनाना है ना, तो जैसे ही ये कस्टर्ड ठंडा हुआ इसके ऊपर ढेर सारे फ्रूट डाल दिए, फ्रूट कस्टर्ड बन गया। हाँ वो वाला पार्ट तो बहुत ईजी था, मैंने कहा चलिए वो तो आपको समझ में आ ही गया है, अब उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं ट्राइफल पुडिंग की तरफ। तो उसके लिए कस्टर्ड को कर लिया स्ट्रेन। अब इसके बाद इसके अंदर डाली थोड़ी विप क्रीम। लाइक आई सेड, कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कस्टर्ड के ऊपर फ्रूट डाल के भी खा सकते हैं। ये विप क्रीम एंड देन यू फोल्ड इट टुगेदर। नाइस एंड फ्लफी आए, देखिए जैसे पीक्स बन रही है ना, ये देखिए। तो कस्टर्ड जो है वो 3 किस्म का होता है। एक होते हैं क्रीमी कस्टर्ड, जिसमें दूध को शक्कर और अंडे के साथ पकाया जाता है, उबाला नहीं जाता, पकाया जाता है। एक होते हैं
कन्फेक्शनर्स कस्टर्ड या क्रेम पातेसरी, जिसमें कि दूध को अंडे के साथ पकाया जाता है और साथ में थोड़ी स्टार्च ऐड की जाती है। और तीसरे होते हैं सेट कस्टर्ड, जैसे कि क्रेम कैरेमल, जिसमें दूध, अंडा और शुगर और क्रीम कई बार मिला के रखी जाती है। इसके सिवाय जो चौथी कैटेगरी है कस्टर्ड की, वो क्रिएट की गई है, जिसे हम पुडिंग्स कहते हैं। वो जो है द बर्ड्स कस्टर्ड है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नस्टार्च और फ्लेवरिंग जाती है। पुडिंग कस्टर्ड भी कहा जाता है उसको। और आज पुडिंग कस्टर्ड हिंदुस्तान में कस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, एंड दैट्स द ओनली नोन कस्टर्ड। व्हाट एन इन्वेंशन। 1837, सुंदर है ना? क्या है ना, वो कहने को फ्रूट कस्टर्ड है, लेकिन बचपन की इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं तो मैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकता था। तो मैंने कहा चलो ट्राइफल पुडिंग के अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं। अब आप एक काम और करिए, अपनी बचपन की यादों को भी इस गिलास में अंजाम तक पहुंचा दीजिए, और जब अंजाम तक पहुंचे तो एक मोहब्बत भरा मैसेज नीचे लिख दीजिएगा मेरे लिए और उनके लिए जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छा, अब जाते जाते एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसका इस्तेमाल नहीं करना, बट कस्टर्ड पाउडर इज एक्चुअली एक्सप्लोजिव। कस्टर्ड पाउडर में वो जो माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं स्टार्च के, वो एक्चुअली एक्सप्लोड कर सकते हैं और बहुत सारी गैस रिलीज कर सकते हैं। सो कस्टर्ड पाउडर टेक्निकली कैन क्रिएट एन एक्सप्लोजन।